दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बारे में। और ये एक बैलेंस कैटेगरी का फंड है, बट एडवांटेज के मामले में ये काफ़ी अच्छा फंड है। ये आपको किस तरह से एडवांटेज देता है, इसके फीचर्स क्या है और कैसे ये आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको फायदेमंद साबित हो सकता है, उसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड एक काफ़ी एक्टिवली मैनेज फंड है और एक इट्स अ वेरी गुड कॉकटेल फंड जो डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में दोनों में इन्वेस्ट करता है। ये जो फंड है, अभी करंटली 4 फंड मैनेजर्स जो है वो लोग इसे मैनेज करते हैं और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा है। वो लगभग है 20,000 करोड़ के ऊपर अभी इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इस फंड के पास है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स का भरोसा इस फंड के ऊपर है। तो हमें पता है कि इक्विटी मार्केट्स कभी भी सीधे ऊपर या सीधे नहीं जाते हैं, तो बहुत बार इक्विटी मार्केट्स जब नीचे जाते हैं तो हमें हमारे फंड के लिए एक सेफ्टी या फिर कुशन हमेशा चाहिए रहता है। तो ये जो सेफ्टी या फिर कुशन रहता है ये हमें बहुत बार मिल नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बट यदि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सेफ्टी मिलेगा डेट इंस्ट्रूमेंट का, और जब मार्केट ऊपर जाते हैं, थोड़ा बुल रन आता है मार्केट में, तो हमेशा उस टाइम में भी हमें एक इक्विटी का भी पोर्शन लगता है, इक्विटी का भी एक्सपोजर लगता है, ताकि हमारे फंड को आगे जाने में मदद मिले। तो ये जो दोनों का मिला के जो कॉकटेल होता है, दोनों को मिला के जो कहा जाता है उसे बैलेंस कहा जाता है। अब ये फंड इससे कैसे आपको हेल्प करता है वही देखते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड का यदि हम लोग की हाइलाइट्स देखेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये फंड बोथ इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। और ये जो फंड है ये आपको टैक्स फ्री रिटर्न देगा, क्योंकि ऑल्दो ये डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, बट इसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के हिसाब से ही आता है। और ये आपको मंथली भी टैक्स फ्री डिविडेंड्स देने के लिए एम करता है। तो यदि आप इस फंड की मंथली डिविडेंड स्कीम में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपके सारे रिटर्न्स टैक्स फ्री रहेंगे। और यदि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और आप चाहते हैं कि आपको मंथली कैश फ्लो मिले, तो आप इस फंड की ऑटोमेटिक विड्रॉल प्लान में या फिर मंथली डिविडेंड प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये ऐसा फंड है, आप लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मंथली डिविडेंड, क्वार्टरली डिविडेंड, ईयरली डिविडेंड, ऐसे सारे ऑप्शंस के साथ ये फंड आता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए देखते हैं पोर्टफोलियो कैसा है। पोर्टफोलियो के मामले में टॉप 10 होल्डिंग्स में ये फंड जो है वो इक्विटीज़ में ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें इन्वेस्ट करता है, जैसे HDFC बैंक है, मदरसन सुमी है, ICICI बैंक, HUL, इन्फोसिस। तो ये ऐसे स्टॉक्स है, जनरली ये मार्केट के हाई बीटा स्टॉक है या फिर हम कह सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स है जिसपे सारे FIIs का DIIs का भरोसा है। तो इक्विटी पोर्शन के मामले में कुछ टेंशन नहीं है, ये काफ़ी अच्छा फंड है। यदि हम एसेट एलोकेशन के बारे में बात करेंगे तो जनरली आपने देखा होगा कि जो बैलेंस फंड होते हैं उनका एसेट एलोकेशन कुछ इस प्रकार से होता है, बट ये क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड है तो ये इनका जो एसेट एलोकेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है। अभी के सिनेरियो में इस फंड का एसेट एलोकेशन जो है वो इक्विटीज़ में ऑलमोस्ट 65% इन्वेस्टेड है, अदर इंस्ट्रूमेंट में ये फंड जो है वो ऑलमोस्ट 17% इन्वेस्ट करता है, डेट में 30% और कैश और कॉल में 20%। तो ओवरऑल आप एसेट्स का यदि स्प्लिट्स देखेंगे, एसेट को इन्होंने कैसे डिवाइड करा देखें, तो ये तो काफ़ी यूनिक बात है और इसी की वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा रहता है मार्केट्स के अलग अलग सिनेरियो में। चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। तो यदि हम किसी भी फंड को एनालाइज करने की बात करेंगे तो कुछ ऐसे ईयर्स हैं जो ईयर्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा रहा था, तो ऐसे कौन से ईयर्स रहे हैं वो इसमें म्यूचुअल फंड का बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा था। तो 2008 में हमारा जब मार्केट 50% गिरा था तो ये फंड ऑलमोस्ट गिरा था 30% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि 2008 में 50% इंडेक्स सेंसेक्स गिरा था, बट ये फंड ने काफी अच्छा हेल्ड किया था और वो सिर्फ 30% नीचे गया था। सेम हुआ था 2011 में, मार्केट्स ने ऑलमोस्ट 25% नेगेटिव रिटर्न दिया था उस ईयर के लिए, बट इस फंड ने काफी अच्छा हेल्ड किया था और रिटर्न दिया माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया था सिर्फ 8% का। तो हमें यही सीख मिलती है, यही हमें ये दर्शाता है कि इस फंड का जो बैलेंस का जो एडवांटेज है या फिर
जो डेट इंस्ट्रूमेंट में जो ये इन्वेस्ट करता है उसी की वजह से इस फंड को काफी अच्छा कुशन मिलता है जब मार्केट फॉल होता है, और वही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने रिटर्न्स को बचाने के लिए और आगे जाके अपने रिटर्न्स को इन्हांस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड लॉन्च हुआ था December 2006 में। तो इस स्कीम का लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न रहा है 11.64%, 5 इयर्स का रिटर्न रहा है 15.71%। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो जो है वो है लगभग 2.24%, और सिंस इंसेप्शन ये स्कीम ने ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले एक मंथ का मैं आपको एक ग्राफ लेके आया हूं बीएससी सेंसेक्स वर्सेस ये फंड का। जो आप लाइन ब्लू में देख रहे हो ये इस फंड का एनएवी है, और येलो में जो लाइन देख रहे हो वो सेंसेक्स है। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि सेंसेक्स का जो लाइन है वो काफी वोलेटाइल है, काफी ऊपर नीचे है, क्योंकि इक्विटी मार्केट जनरली ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। बट आप इस फंड का यदि एनएवी देखोगे तो वो काफी स्टेबली नीचे ऊपर हो रहा है, बारिंग फ्यू रिसेंट इंस्टेंसेस। तो हमें यही देखना था कि ये फंड कैसा परफॉर्म करता है इंडेक्स के साथ। तो ये था सिनारियो। तो ऑल इन ऑल कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जिन लोगों को लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, जिनके पास 15 इयर्स 20 इयर्स का होराइजन है, और वो चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को एक कुशन दे डेट्स का, तो आप जरूर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, यदि आप एक एजेड इन्वेस्टर हो, आप आपके 40s में हो, तो जरूरी आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप आपके रिटायरमेंट के एज के पास हो, तो आपको एक कुशन रहता है, आपको एक कुशन लगेगा। तो ऐसे फंड में आप जरूर इन्वेस्ट करके आप अच्छा बेनिफिट पा सकते हो। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है रहते हैं उनको मंथली कैश फ्लो चाहिए रहता है, तो आप जरूर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस फंड का मंथली डिविडेंड का हिस्ट्री काफी अच्छा है। तो आप जरूर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो मंथली डिविडेंड्स के लिए या फिर मंथली कैश फ्लो पाने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट से। तो ये था आज का रिव्यू वीडियो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बारे में। तो मैं इस फंड के बारे में और ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा मेरे आने वाले वीडियोस में, जहां पे हम लोग डिविडेंड फंड और क्वार्टरली डिविडेंड या फिर हम लोग ईयरली डिविडेंड फंड के बारे में बात करेंगे। तो ये था रिव्यू वीडियो इस फंड के बारे में। जो कोई भी आपके क्वेश्चन है, सुझाव है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आशा करता हूँ आपको